सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 16 इन दिनों काफी सुर्खियों में है। तो वहीं इसको लेकर कई तरह की अफवाहें और खबरें भी हैं। वहीं सबको उम्मीद है कि इस बार शो को एक अलग अंदाज में पेश किया जाएगा। खुद सलमान भी इस बार शो के प्रोमो में बिल्कुल ही अलग अंदाज में नजर आए। वहीं शो का सेट भी बिल्कुल ही अलग दिखा। खैर, बिग बॉस 16 में एक तरफ जहां इसके कंटेस्टेंट्स को लेकर काफी चर्चे हैं, तो हर बार की तरह सलमान खान की फीस को लेकर भी कई तरह की खबरें हैं। लेकिन अब अपने फीस को लेकर खुद सलमान खान ने सारी अफवाहों से पर्दा हटाया है। बिग बॉस के हर सीजन को लेकर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि इस शो को होस्ट करने के लिए सलमान खान करोड़ों अरबों रुपए बतौर फीस लेते हैं। लेकिन अब इस पर खुद सलमान खान ने चुटकी ली है और कहा कि अगर इतना पैसा मिल जाए तो फिर वो काम ही ना करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सलमान खान ने बिग बॉस सीजन 16 में अपनी फीस को लेकर बातें की। शो के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सलमान खान से उनके फीस को लेकर सवाल किया गया तो सलमान ने इसका काफी मजेदार जवाब दिया। ऐसी खबरें थी कि बिग बॉस के सीजन को होस्ट करने के लिए सलमान खान को 1000 करोड़ रुपए की फीस मिलने वाली है। ऐसी बात सुन खुद सलमान खान भी चौंक पड़े और इस पर सलमान ने कहा, इतना मुझे कभी लाइफ में नहीं मिलेगा, इतना मिल गया तो कभी काम ना करूं, मेरे बहुत खर्चे हैं जैसे वकीलों के। इन अफवाहों की वजह से इनकम टैक्स वाले लोग मुझे नोटिस करते हैं और मुझसे मिलने आ जाते हैं। वहीं कभी कभी ऐसी भी खबरें आती हैं कि सलमान खान शायद इस सीजन को होस्ट नहीं करेंगे। इस पर सवाल पूछे जाने पर सलमान ने कहा कि वो ऐसे सवालों से कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं और ऐसे में लोगों से कह देते हैं कि वो ये शो नहीं कर रहे। सलमान ने आगे कहा, लेकिन ऐसे लोग मुझे शो में लेने के लिए मजबूर हैं, अगर मैं नहीं तो फिर कौन इसे होस्ट करेगा। हालांकि यह उनके ऊपर निर्भर करता है, वो चाहे तो मेरे पास ना भी आए, मैं खुद अपने पास ना जाऊं, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वहीं आपको बता दें कि इस बार का सीजन काफी मसालेदार होने वाला है। अगर बिग बॉस सीजन 16 के कंटेस्टेंट की बात करें जिसमें जन्नत जुबैर, शालीन भनोट, टीना दत्ता, कनिका मान जैसे सितारे बतौर कंटेस्टेंट एंट्री ले रहे हैं। खैर, बिग बॉस सीजन 16 को लेकर आपकी क्या राय है बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। For latest Bollywood news and gossips, subscribe to our channel Bollywood Lifetimes.